अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? खैर के साथ हैं। आज के व्लॉग में जो आपके साथ ड्रेस शेयर किया जाएगा वो माशाल्लाह सना सफीना उसका बहुत ही हैवी सा ड्रेस हमने रेडी किया कस्टम मेड के ऊपर, और इंशाल्लाह ये कस्टमर को सेंड किया जाएगा। हॉलैंड बेस्ड कस्टमर है हमारा। और ये आपको मैं एक छोटा सा ड्रेस का ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो आपके साथ ड्रेस शेयर किया जा रहा है वो कौन सा है और किस डिज़ाइनिंग के साथ हमने इसको रेडी किया। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा डिज़ाइन है ये, और डिज़ाइन हमारा तो नहीं कह सकते, ब्रांड का डिज़ाइन है। हमने जैसे इसको कॉपी किया और हमने इसको इसको सेम एज इट इज़ बना दिया। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो हमने इसका एक बे शेप के अंदर नेकलाइन बना दी है। राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स के अंदर पैनल्स के ऊपर हमने लैशेज लगा दी हैं, और लैशेज के साथ अगर आप चेक कर लीजिए मैंने प्लेन फैब्रिक लगा दी ताकि आपकी स्किन जो है वो शो ना हो। और दोनों साइड्स के ऊपर हमने लूप्स बनाकर जो है इसको हमने यहाँ पे साथ जॉइंट्स किए हैं, क्योंकि मॉडल ने भी जो है लूप्स बनाकर साथ जॉइंट्स किए हैं, इसलिए हमने भी सेम वही काम किया है जो ब्रांड ने काम किया होता है। तो आप माशाल्लाह चेक कर रहे हैं कि दो और तीन और दो का हमने इसको जो है हमने इसकी की है पेयरिंग, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी पेयरिंग है। और ये सारी आपको ड्रेस के ऊपर कढ़ाई नज़र आ रही होगी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा ड्रेस बना हुआ है। ये देखें, दो लूप्स हमने बनाया, फिर तीन बनाया, फिर दो बनाए, तो ऐसे करके हमारा कम्प्लीट ड्रेस रेडी हुआ है। बाद आपको इसके सारे मिलेंगे प्रिंट्स के अंदर, और एंड पे आपने लगा दी इसकी छोटी सी एक लैस। लैसी अगेन हमारी सारी घूम करके लगती है। नीचे हमने ट्राउज़र की फेसिंग यूज़ कर दी है, और बाकी जो आपके इस शर्ट के ऊपर सारे नज़र आ रहा होगा ये आपको एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स आपको इसको प्रिंटेड मिलेंगे। अब नीचे जो दामन हमने जो हमें एक्स्ट्रा दामन मिला था हमने इसको लेसिस के साथ ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने नीचे फैब्रिक को शो नहीं किया हुआ क्योंकि यहाँ पे आपकी स्किन नज़र नहीं आती। जो ऊपर से हमारे हैं दोनों राइट लेफ्ट के पैनल्स, उनके नीचे आप चेक कर रहे होंगे कि तो मैंने यहाँ फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर मैंने फैब्रिक को यूज़ नहीं किया। लास्ट के अंदर आपको ही मिलता है पैच नुमा बॉर्डर, और ये मैंने इसके अंदर से कह लें कि जो टिशू होता है वो मैंने यहाँ पर इसका स्किप करवा दिया। लास्ट में मैंने एक लैस डाई करवा के और इसको मैंने यहाँ पे इसके साथ ओवरलैप करवाया, जैसे ब्रांड ने जो है इसको ओवरलैप करवाया हुआ था। माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुकिंग आई है जब हमने इसको काम रेडी करवाया। अभी इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट वर्क होनी है तो हमने काम नहीं करवा सके, बट जी माशाल्लाह इसके बगैर भी जो लुकिंग है आप चेक कर रहे होंगे बड़ी ही क्वालिटी लुकिंग आई हुई है। अगेन पैनल्स हमने जो लगाए हैं हमने सारी जो है हमारा काम गुम होता है, फेसिंग भी हमने यूज़ किया ट्राउज़र की सेम फेब्रिक के साथ, तो जिसके बाद हमारी लुकिंग जो है माशाल्लाह बड़ी एलिगेंट हो गई है। बैक साइड जो आपको टोटली प्लेन मिलेगी, बैक पे जैसे हमने जो एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है उसमें आपको ये लैस नज़र आ जाती है। लैस हमने जो है इसका बैक साइड पे हमने स्कैलप वर्क नहीं करवाया, प्लेन वर्क के साथ हमने इसको रेडी किया क्योंकि बैक साइड के ऊपर हमें कोई पैच वर्क नहीं मिला था। तो माशाल्लाह ये हमारी आप चेक करें तो ये हमारी शर्ट की सारी लुकिंग आ जाती है। अब आपके साथ मैं इसका छोटा सा ट्राउज़र शेयर कर देता हूँ। ट्राउज़र के नीचे मैंने फैब्रिक यूज़ नहीं किया क्योंकि स्किन का इतना शो नहीं होता। तो ये मेरे माशाल्लाह ट्राउज़र के आप लैस का डिज़ाइन चेक करें, और ये तमाम लैसेज हम डाई करवा के देन इसको यूज़ करते हैं। एंड के ऊपर हमने तीन पेंटेक्स ऐड कर दिए ताकि आपकी लुकिंग जो है थोड़ी सी अच्छी तो आनी चाहिए। जब आपने शर्ट इतनी हैवी रेडी कर दी है तो आप इसका ट्राउज़र जो प्लेन करें तो लुकिंग अच्छी नहीं आती। लास्ट में इसका आएगा जी दुपट्टा। दुपट्टा मसला इसके शिफॉन का दुपट्टा है, बड़ा अच्छा सा इसके प्रिंट्स हैं, और दुपट्टे के ऊपर मैंने इसकी जो स्लीव्स की लैस थी वही मैंने डाई करवा के इसके यहाँ पर यूज़ किया है। तमाम लैसेज अगेन हमारा गुम काम के अंदर सारा काम होता है। आप चेक करें कि जितना भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह आपको गुम और नीट एंड क्लीन काम नज़र आएगा। माशाल्लाह बहुत एलिगेंट से वर्किंग हुई हुई है, बड़ी एफर्ट होती है इस काम के ऊपर। मैचिंग करना, डाइंग करवाना, पैच वर्क करवाना, एप्लिक करवाना, देखें सारा एप्लिक वर्क हुआ हुआ है। कितनी टेंशन कोई भी नहीं लेता, बट हम ऑब्वियसली अपने कस्टमर्स के लिए जो हमारे ओवरसीज़ के कस्टमर्स हैं वो हमें फ्री हैंड देते हैं कि भाई हमें सेम सूट जैसे मॉडल ने वेयर किया हुआ वैसे हमें चाहिए, तो इसलिए हम वैसा ही इंशाल्लाह उनको बना कर भी देते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छे से कह लें कि ईद ऑर्डर्स भी हमने डिस्पैच कर दें, कुछ आगे रेडी भी हो रहे हैं। तो ये आपको मैं एक छोटा सा दिखाता हूँ, ये हमारे सारे ईद के जो ऑर्डर्स हैं ये हमारे पोस्ट हो रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी फर्दर पोस्ट होंगे। ये मेरे पास एक पूरा बंडल सा पड़ा हुआ है जो हमारा कल पार्सल पोस्ट होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा व्लॉग होता है, आपके साथ हमारी काफ़ी गपशप भी होती रहती है साथ साथ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।